प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमानत और अमानत वाले बयान पर बिहार में सियासी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि इस बयान पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार कर कहा कि ये झारखंड और दिल्ली नहीं बिहार है और हम बिहारी गुजराती से डरने वाले नहीं। इसी के साथ तेजस्वी ने कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा है। आगरा जनपद में रालौद ने दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो वहीं छह को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि रालौद नेताओं ने सर्वाधिक फतेहपुर सीकरी लोकसभा में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हुए गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार चाहर के विरोध में काम किया है। मतलब साफ है कि भाजपा प्रत्याशियों के लिए इन्होंने काम नहीं किया बल्कि विरोध में कार्य किया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 14 सीटों पर सबसे कम वोटिंग हुई है और पहले से छठे चरण की वोटिंग में 7% तक की गिरावट देखी गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक 61.11% वोट डाले गए, जबकि छठे चरण में महज 54.04% मतदान हुआ। छठे चरण में उत्तर प्रदेश किसी भी चरण के चुनाव में राष्ट्रीय औसत के करीब भी नहीं पहुंच सका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नारद राय अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। चर्चा है कि बलिया में फेफना के कटारिया में सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान मंच से उनका नाम नहीं लिया, जिससे नारद राय काफी आहत हो गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नारद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों के बागी होने से विधानसभा का गणित गड़बड़ा गया है। लोकसभा के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और यही वजह है कि उपचुनाव वाली सभी सीटों पर कांग्रेस का जबरदस्त फोकस है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इन सीटों पर पार्टी जीतती है तो उसका संकट टल सकता है। पोर्श कार क्रैश मामले में पुणे पुलिस ने अपना एक्शन और भी तेज कर दिया है। मामले में पुणे के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल डॉक्टरों पर आरोप है कि दोनों ने खून के नमूनों में हेरफेर की है ताकि आरोपी नाबालिग को बचाया जा सके। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है कि अभी भी कार्रवाई जारी है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। 57 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। इस सिलसिले में बिहार से हिमाचल प्रदेश तक सियासी पारा खूब चढ़ेगा। आज भाजपा के नेता जहां उत्तर प्रदेश में अपना जोर लगाएंगे तो वहीं कांग्रेस नेता बिहार और हिमाचल प्रदेश में मोर्चा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में हो रहे चुनाव के तहत अब तक 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 7वें चरण की 13 सीटों के लिए मतदान 1 जून को होगा। इस अंतिम चरण की लड़ाई के लिए सपा ने अपने संगठन को झोंक दिया है। सपा ने अपने फ्रंटल संगठनों के साथ ही सभी प्रमुख नेताओं को इस सीट पर लगा दिया है। अमित शाह ने मोदी सरकार की कश्मीर नीति की तारीफ करते हुए कहा कि अलगाववादी भी मतदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा और वहां पर विधानसभा चुनाव कब होंगे। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी, नक्सलवाद, मणिपुर हिंसा से लेकर ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर खुलकर जवाब दिए हैं।